प्रॉब्लम ये है कि जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट और बढ़ाना चाहिए ताकि कारोबार पे असर आएगा तो हमारा हिंदुस्तान और पीछे जाएगा, तरक्की नहीं करेगा। गेल्या 2 वर्षापासून भारतासह संपूर्ण जग कोरोनाशी झुंज देत आहे। परिणामी देशभर लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला, त्यामुळे राज्यातील छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांना आपले उद्योगधंदे बंद करावे लागले आहेत। तर शहरातील छोट्या मोठ्या व्यापारी वर्गाला आपली दुकाने बंद करण्याच्या वेळेची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे, त्यामुळे व्यापारी वर्गातून कमालीचा संताप व्यक्त केला जात आहे। त्यामुळे अनेकांना कायद्याचा धाक दाखवून ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार शासनाकडून होत आहेत, तर अनेक जण कायद्याचे उल्लंघन करत छुप्या मार्गाने दुकाने चालू ठेवत आहेत। त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अंकुश नाही। अत्यावश्यक सेवा असलेल्या किराणा आदी दुकाने देखील सायंकाळी 4 पर्यंत बंद करा, नाहीतर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी देण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत। काही ठिकाणी त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि इन्स्पेक्टर राज वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। मात्र सर्वसामान्य दुकानदारांना मात्र कायद्याचे पालन करण्याची सक्ती केली जात आहे। महत्त्वाचे म्हणजे व्यापारी वर्गाला वाली कोणच उरला नाही। यामुळे पनवेलमधील व्यापारी वर्ग आक्रमक झाला असून शासनाच्या अशा उदासीन व्यापारी विरोधी धोरणाविषयी रोष व्यक्त करण्यात आला आहे। मिरर महाराष्ट्रशी बोलताना तळोजा फेज 1 मधील व्यापारी म्हणाले की प्रॉब्लेम ये है कि जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट और बढ़ाना चाहिए। टाइम लिमिट जो है अभी 4 बजे तक, उसको कम से कम 8 या 10 बजे तक तो रखना चाहिए। इसलिए कि अभी तक ने हम लोग ने इतना लॉस सफ़र किया है, और भी कितना सफ़र करेगा। जो भी हमारे बंदे थे सब आ चुके हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनके पेमेंट का इशू, हम मटेरियल कितना तैयार करें, कितना सेल करें, ये हमारे उसमें प्रॉब्लम होता है। और प्लस जो टाइम है वो अनाउंसमेंट होना चाहिए कि आज इतने बजे का टाइमिंग डिक्लेयर हुआ है, वो कन्फर्म करना चाहिए। वो भी नहीं होता है कन्फर्म कि हमने क्या किया है, कितना टाइम से रखा है और कितने बजे तक अपने को शॉप ओपन रखना है, ये कुछ नहीं। डायरेक्टली आते हैं फाइन लेने के लिए, ये सबसे भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम होता है। हमने मटेरियल तैयार किया, ठीक है, पता लगा सिडको आई, ऑफिसर्स आए, वो क्लोज डाउन करने के लिए बोल रहे, उसमें हमारा और भी लॉस जाता है, पर डे का लॉस जाता है, जो भी हमने किया वो सब भी लॉस जा रहा है। तो ये ना होने के लिए कम से कम टाइम लिमिट तो बढ़ाना चाहिए। 2 टाइम ऑलरेडी मुझे फ़ाइन भी लग चुका है। फ़ाइन लगने से ठीक है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का करते हैं, जैसा टेक अवे का भी रखे वो भी चलता है, हम सबको बाहर से ही बाहर पार्सल ये सब काउंटर वगैरह सब चल जाएगा, लेकिन टाइम लिमिट तो रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो गवर्नमेंट बोलती है हम रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है, उन्होंने बोला कि सर्कल करके रखो, 1 फीट का डिस्टेंस रखो, वो सब कराएंगे, लेकिन कुछ तो टाइम जब रहेगा तभी हम कर सकते हैं ना इसके लिए। आपको फाइन वगैरह लगा है? हाँ, 2 टाइम ऑलरेडी लग चुका है मैडम। क्यों लगा है? लेट क्लोजिंग के लिए, अभी 10 मिनट्स भी लेट होता है, वो बोलते हैं आपने क्लोज, अभी इतना बड़ा शॉप है उसको क्लोज करने के लिए 45 मिनट्स, 10 मिनट्स में हार्डली नहीं होता है। एक टाइम तो 8 o'clock का टाइमिंग था, 8:10 पे ही उन्होंने मुझे चौकी में लेके गए उधर फाइन करने के लिए, हर चीज़ फाइन भरा ये सब के लिए। अगर टाइम बढ़ाया तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कैसे, मतलब कस्टमर को हैंडल कर? डिस्टेंसिंग के लिए कैसे, अभी जो है सिंगल पर्सन अंदर एंट्री आएंगे, और बाकी जो है स्नैक्स प्रोडक्ट के लिए उस पर टेक अवे का ही, खाने के लिए अलाउड नहीं रहेगा। लॉकडाउन की वजह से मैडम हमें तो बहुत ही दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है कि लगता है कि बच्चे लोग भूखे मरेंगे। एक तो गवर्नमेंट जो है हमें पहले से डरवा देती है कि तीसरी लहर आने वाली है, इस दहशत की वजह से लोग डर जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी पुलिस के डर की वजह से हम दुकानें बंद करने लगते हैं कि पुलिस आएगी, PMC आएगी, अभी फ़ाइन मारेगी, उसकी वजह से हमारे कारोबार पर बहुत नुकसान हो रहा है। और हम गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहाँ की गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि पब्लिक का ख्याल करते हुए टाइम बढ़ाया जाए। यहाँ पे 4 बजे तक का है कि 4 बजे दुकानें बंद कर दो। अब अगर गवर्नमेंट ये टाइम बढ़ा देती है, जैसे 10 बजे की हम मांग नहीं करते हैं, कम से कम 8 बजे तक बढ़ा दे, ताकि जो गरीब बेचारे हैं, फुटपाथ पे धंधा करने वाले हैं और ये दुकानदार लोग हैं, कम से कम भाड़ा तो निकलेगा उनका, नहीं ये पब्लिक जाएगी कहाँ। अगर गवर्नमेंट बंद करवाती है तो उसका इंतज़ाम कराए। और हम अपना कोरोना का जो ये महामारी का है,
कि लोग दूरी दूरी पे रखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को दूरी पे रखते हैं, हम करीब नहीं आने देते हैं ताकि कोई पब्लिक ऊपर असर ना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट को भी इसके साथ में सोचना चाहिए और पुलिस को भी इसका बताना चाहिए कि भाई लोग जाएं, डर की वजह से लोग दुकानें ना बंद करें ताकि कारोबार पे असर आएगा तो हमारा हिंदुस्तान और पीछे जाएगा, तरक्की नहीं करेगा। लेकिन हमें आज कम से कम 2 साल से डरवाया जा रहा है कोरोना की महामारी, और पहले से हमारी गवर्नमेंट को पहले से मालूम पड़ जाता है कि तीसरी लहर आने वाली है। दहशत में पब्लिक खुद ही दहशत में, कोरोना से ज़्यादा दहशत से आदमी मर रहे हैं, तो उस पर हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि कम से कम कारोबार का ध्यान दे, पब्लिक भूखी न मरे, बशर्ते कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे, गवर्नमेंट पब्लिक का साथ दे। जब गवर्नमेंट साथ देगी तो पब्लिक गवर्नमेंट का साथ देगी, और हम यही चाहते हैं कि हमारा ये प्यारा देश जो हिंदुस्तान है ये पीछे ना जाए, लॉकडाउन की वजह से पीछे ना करें। गवर्नमेंट आखिर क्या चाहती है कि हमारा देश पीछे चला जाए? तो हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ज़्यादा पब्लिक को परेशान ना करें। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि ज़्यादा परेशान ना करें, कारोबार पर जब असर आएगा तो हमारा देश पीछे जाएगा। शनिचर संडे को दुकान बंद रहता है, कभी कभी पुलिस वाले भी आके बोलते हैं दुकान बंद करो, ऐसा करो, चालू नहीं होने देते, कांटा उठा ले जाते हैं, चूरा चाकू उठा ले जाते हैं, मटन चिकन भी उठा के लेके चले जाते हैं। हम लोग डर के मारे भाग जाते हैं इधर उधर, अपना फाइन भी भरना पड़ता है, और बोलते हैं 4 बजे तक दुकान चालू रखो, फिर बंद करा देते हैं। तो इसमें भी हम लोग का पालन पोषण कैसा होगा, बाल बच्चों का रोजी रोटी कैसे चलेगा? गरीब आदमी अपन गाला लेके कर नहीं सकते, इसके लिए अपन फुटपाथ पर बैठे। आपको क्या लगता है कितने बजे तक मतलब टाइम बढ़ाना चाहिए? टाइमिंग कम से कम 8 बजे तक तो होना चाहिए मैडम, 8 बजे 9 बजे तक, क्योंकि सभी जगह चालू हो गए हैं दुकान, अभी कोई केसेस भी नहीं आ रहे हैं। मला जो प्रॉब्लम असा झाला आहे की टोटल धंदा आमचा बंद होता, आणि आमची गालेवाले जे जे आम्ही भाड्याने आहोत ना, तर आमच्या गालेवाल्यांना बोललो की आता लॉकडाऊनमध्ये आमचे हॉटेल बंद होतं, तर तुम्ही काहीतरी आम्हाला म्हणजे कमीत कमी सगळं नाही तरी अर्धं तरी आमचं भाडं सोडा। ते बोलायला लागले की तुम्ही अजिबात भाड्याची काय वार्ता करू नको, आणि भाड्याची जर तुम्हाला वार्ता करायची असेल तर गाला तुम्ही सोडा, आमचे पैसे जे काय आहेत ते द्या आणि तुम्ही गाला। आता आम्ही मध्येच कसं सोडणार? एक तर इन्कम नाही, आमचा धंदा नाही, आणि आम्ही त्यांना पैसे देणार कुठून आणि गाला सोडणार कुठं? बरोबर नाही? ते म्हणतात आम्ही तुमच्या डिपॉझिट तुमचं डिपॉझिट आम्ही कापून घेऊन तुम्ही बाहेर पडा। तर असं होत नाही ना, आम्हाला कामं कुठं आहेत, आमचं बोट याच्यावरच आहे। तर हा एक प्रॉब्लेम झालेला आहे। त्याच्यानंतर आम्हाला पार्सलसुद्धा द्यायची असली तरी लोक पार्सल देऊन देत नाही, लगेच येऊन शटर बंद करायला सांगतात, कुठल्याही डिपार्टमेंटची असो, म्हणजे म्युन्सिपॅलिटीची असो किंवा पोलीसची असो किंवा कोणीमध्ये दुसरेसुद्धा येतात, ते आम्हाला काय माहिती नसतात ना, सिव्हिल ड्रेसमध्ये कोण असतात ते। तर असा हा प्रॉब्लेम आहे। त्याच्याशिवाय आमच्या आता त्या ह्या एरियामध्ये आम्हाला पाण्याची पाण्याचा लई त्रास आहे। ते हॉटेल हे कॉमर्शियल आहे, घरामध्ये पाणी त्यांचं बरोबर जातं आहे, आणि कॉमर्शियलला जास्त पाणी दिले पाहिजे कारण त्यांचा टॅक्स पण जास्त असतो, त्यांच्यावर जो सोसायटीचा जो टॅक्स असतो तो पण जास्त असतो मेंटेनन्स, आणि आम्हाला पाणी येतंय कमी। मग आम्ही कसं करायचं? मग एखाद वेळेला आम्हाला जर पाणी लागलं तर आम्ही टँकर मागवतो पाण्याचा, आणि तो टँकर 700 लिटरचा टँकर आला तर आम्हाला 500 रुपये भरावे लागतात, मग ते आम्हाला पाणी केवढंच पडतं आहे। तर आमचा जो मालक आहे जो भाडा घेतो म्हणजे गाल्याचा जो मालक आहे, त्याचं म्हणणं असं आहे की आता आमचं गेल्या वर्षी जे होतं ते 11,000 भाडं होतं या गाल्याचं, आणि पद्धतीने म्हणजे टक्केवाढी जर 10% प्रत्येक वर्षाला जर वाढवायचं असेल तर ते वाढव योग्य आहे, पण त्याने तसं न करताना डायरेक्टली 13,000 केलं। 13,000 केल्याच्या नंतर त्याने आम्हाला एक टाईम दिला की नोव्हेंबरला मला 15,000 पाहिजे, आणि मेट्रो एकदा धावलीमध्ये त्याच्यात लोकं बसली की आम्ही 25,000 भाडं करणार, आणि ते 25,000 भाडं तुम्हाला द्यायचं नसेल तर तुम्ही सरळ बाहेर निघणार। काय लॉकडाऊन का वैसे लिए हमको आधा टाइम दिया तो बहुत तकलीफ होता है, कस्टमर को भी देने को भी नहीं होता है, ऐसा है। जो थोड़ा टाइम एक्सटेंड करेगा तो हमको भी अच्छा रहता है, ऐसा है। अच्छा, अभी क्या टाइम आपका है मतलब? जैसे हमको 8 बजे तक मिलेगा तो अच्छा रहता है, हमारे अभी थोड़ा लुनकाना बिना लुनसन नहीं होता, बराबर बना के दे सकते। अभी हमको भी टेंशन लेके अभी धंधा कर रहे हैं, हम भी तो भाड़ा भरना पड़ेगा,
धंधा हो नहीं हो भाड़ा भरना पड़ेगा ऐसा ही। वो कस्टमर को भी टेंशन होता है, कहा गया हम भगा देगा तो कस्टमर को भी तकलीफ है, पुलिस वाला आके हमको भी धमकी देता है, ऐसा प्रॉब्लम है। जो हमको भी भाड़ा देना पड़ेगा, हमारा भी बनाते खाना लुनसान नहीं होने का, ऐसा ही प्रॉब्लम। आज का कल दे कैसे दे सकता है, ऐसा ही है। और अब अभी जब मतलब टाइम बढ़ाएंगे तब जब आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कैसे मतलब क्या कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हम थोड़ा पार्सल ही देते हैं, पार्सल देते हैं थोड़ा अपने चाय पीने बड़ा पाव खाने के लिए कस्टमर इधर कड़ा था वो, तब तक वो पुलिस वाला के हमको फाइन मारा, एक बार फाइन मारा 5,000 रुपये बोला, बाद में 500 रुपये में फाइन ये कर। या संदर्भात पनवेल महानगरपालिका प्रभाग समिति अ चे अधिकारी जितेंद्र मडवी यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता ते म्हणाले की नमस्कार मडवी साहेब, व्यापाऱ्यांच्या तळोजा शहरातील व्यापाऱ्यांचा असा विनंती आहे की जे 4 वाजता बंदचं टायमिंग आहे ते वाढवून अधिकचं टायमिंग मिळावं की जेणेकरून त्यांचा व्यापार व्यवस्थित व्हावा, तर त्या संदर्भात तुमचं किंवा प्रशासनाचं काय मत आहे? तर आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार रायगड त्यांनी हा जे वाढीव टायमिंग दिला इतर जिल्ह्यांना, रायगड वगळलाय त्याच्यामधून, त्याच्यामुळे आपल्याला 4 वाजताच टायमिंग, जे 4 वाजताचे जे टायमिंग आहेत तेच आपल्याला फॉलो करावं लागतील आणि याच्या 4 नंतर सर्व दुकानं आस्थापना बंद राहतील आणि 4 नंतर काही हॉटेल काही उपरागृह आहेत त्यांना फक्त पार्सलची सेवा। बरं, इतर महानगरपालिकेनी नवी मुंबई आणि अन्य जरा शिथिलता आणलेलं आहे, नजीकच्या काळात असं काही शक्यता आहे का आपल्या महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रामध्ये? नजीकच्या काळामध्ये नियम चेंज होऊ शकतात, महाराष्ट्र शासन करू शकते, पण आपला रायगड जिल्हा मोठा असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि जे महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे, आपल्या महाड वगैरे अशा परिस्थिती निर्माण झाली त्याच्यामुळे कोविडचे रुग्ण वाढू शकतात आणि महाड वगैरे आपल्या रायगडमध्येच येते, त्याच्यामुळे त्यांनी रायगडसाठी नवीन नियम लागू केले नसतील। ठीक आहे, भविष्यात असा निर्णय झाला तर तो स्वागतार्ह असेल असं व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला विनंती करण्यात आलेली आहे, तर त्याचा योग्य वरिष्ठ व्यापाऱ्यांनी त्यांची आस्थापना 4 नंतर बंदच ठेवावी, कुठेही कोविड नियमांचे उल्लंघन करू नये, कारण कोविडच्या तिसरी लाट जी येणार आहे त्या तिसऱ्या लाटची तयारी चालू आहे, त्याच्यामुळे आपण आता जर ते नियम पाळले तर आपण जी तिसरी लाट येणार आहे त्याच्यापासून आपण वाचू शकतो आणि पुढे मग प्रशासनाला निर्णय घेणे शक्य होईल का जे निर्बंध आता जे लादले आहेत त्याच्यामध्ये शिथिल होईल, पण आता जे निर्बंध लादले आहेत त्यांचे पालन करणं हे व्यापाऱ्यांचं नागरिकांचं कामच आहे। धन्यवाद।